राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा जागरूकता रथ को पूर्णिया जिलाधिकारी राहुल कुमार, पुलिस अधीक्षक दयाशंकर, जिला परिवहन पदाधिकारी ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर इंदिरा गांधी स्टेडियम से जागरूकता रथ को रवाना किया। सड़क सुरक्षा मार्च भी स्काउट गाइड के छात्र छात्राओं के द्वारा निकाला गया, जिसमें विभिन्न पोस्टर, बैनर, स्लोगन उच्चारण के द्वारा सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा था। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि यातायात नियम का पालन नहीं करने के कारण आए दिन सड़क हादसे में लोगों को जान गंवानी पड़ती है, कई लोग अपंग भी हो जाते हैं। सड़क सुरक्षा माह के दौरान जिला परिवहन कार्यालय के द्वारा अलग अलग गतिविधि कर लोगों को जागरूक किया जाएगा। सड़क सुरक्षा माह में 18 जनवरी से 17 फरवरी तक कई अलग अलग तरह के प्रोग्राम होंगे, जिसके तहत लोगों को खासतौर से परिवहन नियम को पालन करने के लिए जागरूक किया जाएगा। इस बात को ये कहता है कि तंसो मार्ग पर मेटालियों की जोरदार जगह संघीय अधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, एसडीएम साहब, डीटीओ साहब, एफबीआई साहब, पक्षी और अग्रसर होते हुए भारत स्काउट एंड गाइड के बच्चों के साथ और एक बार फिर परिवहन विभाग और बिहार सड़क सुरक्षा परिषद की ओर से जहां के यातायात नियमों का उल्लंघन करता वाहन चालकों हेतु रिफ्रेशर कोर्स की व्यवस्था की गई है। 18 जनवरी आज इसका शुभारंभ किया गया है। 17 फरवरी 2021 तक अलग अलग कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है यातायात नियमों के संदर्भ में, और विशेष ड्राइव्स कई तरह के चलाए जाएंगे। जितने भी ड्राइवर्स हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हैं, उनके आई चेकअप की भी व्यवस्था की जाएगी, आवश्यकता पड़ने पर चश्मा का वितरण किया जाएगा, पेनल्टी के भी जो कई सेशंस है वो किए जाएंगे, और जो वायलेटर्स होंगे उनको प्रशिक्षण देने का भी कार्यक्रम किया जाएगा, और जो स्टूडेंट्स हैं चाहे वो कॉलेज के हो या हायर सेकेंडरी के हो, उनके बीच में निबंध, चित्रकला, वाद विवाद, ये सारी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, और 17 फरवरी को इन सारे कार्यक्रमों का समापन समारोह किया जाएगा।